चुनाव आते ही अवैध हथियारों का बाजार सजने लगता है। अवैध हथियारों की मंडी और कई राज्यों में भी बढ़ जाता है। मुंगेर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 12 देसी कट्टा बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि ये पहले भी पटना और दिल्ली जैसे शहरों में हथियार का डिलीवरी कर चुका है और इसे भी जिले के बाहर सप्लाई करता रहा है। फिलहाल दोनों तस्कर को गिरफ्तार कर पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी का मामला दर्ज कर मुंगेर कारामंडल में भेज दिया है। रहने वाले दो हथियार तस्कर कहीं हथियारों की डील कर रहे हैं और ये जो दोनों तस्कर पकड़े गए हैं ये पटना की तरफ और इवन दिल्ली तक हथियारों की सप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ पे चरौन गांव पड़ता है मुफस्सिल में टोटल 12 रिवॉल्वर इन लोगों से रिकवर हुए हैं और अभी इनकी इंटरोगेशन चल रही है और हमको उम्मीद है कि बाकी लोग जहां से ये लोग निर्माण करवाते हैं और आगे जिसको सप्लाई करेंगे उनका भी नाम आएगा और उनके ऊपर भी आवश्यक